दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। सुपारी लेने वालों ने रोकी है युवा मोर्चा की जिलाध्यक्षी। सतना युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का फैसला प्रदेश नेतृत्व भी नहीं कर पा रहा। बताया जा रहा है दो नेताओं ने दो युवाओं से सुपारी ले रखी है। यह अपनी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर बैठ गए हैं। किसने कितनी सुपारी ली है शायद इसका खुलासा अध्यक्ष की घोषणा के बाद हो सकता है, क्योंकि जो नहीं बनेगा वह राज खोलेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है जिला अध्यक्ष घोषणा के बाद निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। अगर यह बात सच है तो भाजपा के पद सिर्फ पैसे वालों को ही मिलेंगे। भाजपा के पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारियों से जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने काफी नए राज खोले। तीन बार के जिला महामंत्री रह चुके एक पदाधिकारी ने बताया कि हम लोग तीन नामों का पैनल प्रदेश को भेजते थे। एक नाम पर पहले से ही हम लोग टिक कर देते थे और वह नाम फाइनल हो जाता था। अब तो छह से ज्यादा बार अलग अलग पैनल भेजने की बातों का खुलासा हो रहा है। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि अभी जो अंतिम पैनल भेजा गया है उसमें सात नाम भेजे गए हैं। सात नामों का पैनल भेजने वाला संभवतः पूरे प्रदेश में सतना इकलौता जिला होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता इन बातों पर भाजपा जिलाध्यक्ष को सबसे कमजोर अध्यक्ष बताते हुए कहते हैं कि भाजपा जिलाध्यक्ष में अपनी बात रखने का साहस नहीं है। भाजपा जिलाध्यक्ष को शायद प्रदेश अध्यक्ष वह तवज्जो नहीं दे रहा है, वरना जिलाध्यक्ष जो कहते वह जिले और पार्टी के हित में बात होती। इसलिए बार बार बदलकर पैनल भेजा जा रहा है। कुछ नेताओं ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने योगेश ताम्रकार की राजनीतिक सोच पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आखिर ऐसे समय में वह क्या कर रहे हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि भाजपा जिले के एक पदाधिकारी ने युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बनवाने के नाम पर एक युवा से पिछले एक साल में 10 लाख रुपए खर्च कराए हैं। फिर तो प्रेस्टीज इश्यू बनता ही है, होना भी चाहिए। ऐसे ही एक पदाधिकारी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने एक मोटी रकम ब्राह्मण वर्ग के युवा से लिए हैं। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा ब्राह्मण वर्ग से युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष न बनाए जाने की बात साफ तौर पर कहे जाने के बावजूद यह पदाधिकारी ब्राह्मण वर्ग के उस युवा के नाम पर अड़े हुए हैं। अगर भाजपा में संपन्नता देखकर ऐसे पद दिए गए तो यह प्रथा भी पार्टी के लिए भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकती है। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है यह प्रदेश नेतृत्व को तलाशना होगा। बाकी चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। बताया तो यह भी जा रहा है कि युवा मोर्चा की जिलाध्यक्षी एक अन्य जिले में चार पहिया वाहन लेकर दी गई है। अब इन बातों की सच्चाई प्रदेश नेतृत्व को तलाशना चाहिए और इन चर्चाओं पर विराम लगना चाहिए, वरना यह चर्चाएं या इन बातों में अगर सच्चाई है तो यह पार्टी को सिर्फ पैसों से तौलने वाली पार्टी कहा जाएगा।